हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो उनके लिए जो या तो बिजनेस सेंट्रल का लोअर वर्जन यूज कर रहे हैं या ऑन प्रमाइसेस यूज कर रहे हैं और जिनके सिस्टम में अभी तक को पायलट एक्टिवेट नहीं हो पाया है। अगर आप ब्राउजर चेक करो अपने, जैसे कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर यूज किया है, तो आपको को पायलट आपके ब्राउजर के लास्ट सेक्शन में मिल जाएगा। यहाँ कंट्रोल शिफ्ट प्लस डॉट यूज करके भी आप कोपायलट एक्टिवेट कर सकते हैं और लास्ट में आपको आइकन भी दिख रहा होगा, इस आइकन पर आप क्लिक करेंगे तो कोपायलट का चैट बॉक्स ऑन हो जाएगा। कंपोज, इनसाइट, इस तरह से चीजें आप देख सकते हैं, बड़ा करके भी देख सकते हैं। तो अगर मान लो आपको क्रिएटिव मोड चाहिए, बैलेंस मोड चाहिए या प्रिसाइज चाहिए, आप वो चेक कर सकते हो। अब इस एआई को हम कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि मान लो मुझे कॉपी डॉक्यूमेंट यूज करना है, तो हम पूछ सकते हैं कैन यू सजेस्ट मी द प्रोसेस ऑफ कॉपी डॉक्यूमेंट इन D365 PC। देखते हैं क्या आंसर कहता है। सी, यूजिंग द वेब आपके पास सारा प्रोसेस आ गया है, आप चेक कर सकते हो, सारी डिटेल्स आ रहे हैं, उसने सारा कुछ बता दिया है कि आप क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। आपके क्वेश्चंस होने चाहिए क्लियर और आप उससे पूछ सकते हो, तो कोपायलट क्या करेगा, आपको आंसर सजेस्ट करेगा। ये जेनरेटिव एआई है, आपकी हेल्प कर देगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। और मान लो हम इसे ये पूछ लें कि कैन यू क्रिएट अ क्रेडिट मेमो फॉर मी। देखते हैं क्या आंसर कहते हैं। आई अपोलोजाइज फॉर एनी इनकन्वीनियंस बट आई डोंट, स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, देखते हैं क्या आंसर है। सी, आई अपोलोजाइज फॉर एनी इनकन्वीनियंस बट आई डोंट हैव द कैपेबिलिटी टू डायरेक्टली क्रिएट अ क्रेडिट मेमो फॉर यू, हाउ एवर आई कैन गाइड यू थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वन इन डायनेमिक्स 365 बिजनेस सेंट्रल। तो इसके बाद जो भी इसने गाइड किया है वो आप यूज कर सकते हो। एक क्वेश्चन और है मेरे पास, गिव मी अ डिफरेंट यूज ऑफ कॉपी डॉक्यूमेंट फंक्शनैलिटी, यूज अ डिफरेंट यूज ऑफ कॉपी डॉक्यूमेंट फंक्शनैलिटी अदर देन यूजुअल। देखते हैं, चलो रीड करते हैं क्या क्या आसन है। यूजिंग द वेब, क्योंकि इसका सोर्स जो है ये माइक्रोसॉफ्ट के जो वेबसाइट, लर्निंग वेबसाइट या जो जो भी सोर्स वेबसाइट होगी उनसे ये रेफरेंस कैरी कर रहा है और वो हमें लाके दे रहा है, तो इसका सोर्स रेफरेंस हमें नीचे मिल जाएगा, ये कहाँ कहाँ से लेके आ रहा है। सी, ये सब इसके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी इन वेबसाइट से ही आ रही होगी। तो अब देखते हैं इसका ये वाला आंसर, मैंने क्या पूछा था, एक डिफरेंट यूज जो अदर देन यूजुअल हो वो मुझे कॉपी डॉक्यूमेंट का बता दो, गिव मी अ डिफरेंट यूज ऑफ कॉपी डॉक्यूमेंट फंक्शनैलिटी अदर देन यूजुअल। इसका आंसर है सर्टेनली बिसाइड द टिपिकल यूज केसेस ऑफ कॉपिंग डॉक्यूमेंट इन डायनेमिक्स 365 बिजनेस सेंट्रल सच एज क्रिएटिंग क्रेडिट मेमो और रिटर्न ऑर्डर्स, देयर आर फ्यू अदर इंटरेस्टिंग वेज टू लीवरेज द कॉपी डॉक्यूमेंट फंक्शनैलिटी। सी, दिस इज द बेस्ट आंसर, आई लाइक दिस आंसर। Copying rows between list, you can copy one or more rows
records from a list within Business Central and paste them into another list with identical columns. This can be handy when you want to transfer data between different lists or modules within the application. For example, if you have a list of sales orders and need to create corresponding purchase orders, you can copy relevant information such as customer details, items, quantities, etc. and paste it into the purchase order list. Isi tarah external applications, copying data to external applications plus copying individual field values, handling block lines. Toh is tarah se aap dekh sakte ho. Aur mere paas ek last question aur hai. Can you provide relevant video on this topic? Certainly, here a video tutorial on the copy document paste functionality in Dynamics 365 Business Central. This video is part of the Essentials video series and covers how to work efficiently with lists by copying and pasting rows. Watch the video on YouTube. Oh, तो आपको YouTube से ये कनेक्ट करेगा और आप उसके बाद वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं. देखते हैं कौन सा वीडियो है. हम कैसे कॉपी डॉक्यूमेंट फंक्शनैलिटी को यूज कर सकते हैं, तो आप इसे देखिए और इसे यूज कीजिए अपने सिस्टम पे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.